गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों ये हम लोग टेस्ट नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये पार्ट थर्ड है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। इन क्वेश्चंस का जो सोर्स है वो क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की दो एनसीईआरटी, मेनली पहली है समकालीन विश्व में राजनीति और एक है स्वतंत्र भारत में राजनीति भाग दो। ये हम दो एनसीईआरटीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उन्हीं एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं। इन प्रश्न को पूछने का एक तरीका ये भी हो सकता था कि इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते उनको बना दिया जाता, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि विश्व इतिहास के क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस के वैसे क्वेश्चन जो इकोनॉमी और इस टाइप के वेट्स हैं वो भी नहीं आते हैं, तो ऐसे में वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। और ये एनसीईआरटी पिछले 3-4 सालों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली एनसीईआरटी में से एक हैं, इसीलिए इनको क्वेश्चन के रूप में तैयार किया गया है। देखते हैं हम लोग अपना पहला 71 क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन है वैश्विक संपदा को, ग्लोबल कॉमन। पूछा गया है कि जो चर्चा में रहता है वैश्विक संपदा, उसके बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो हमको क्या देखना है, सत्य कथन। पहला है कि इनका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा साझा रूप से किया जाता है, और सेकंड है आर्कटिक और ग्रीनलैंड इसके उदाहरण हैं। अब आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि वैश्विक संपदा है क्या। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इसका प्रोनाउंसिएशन है या मतलब है ग्लोबल कॉमन। इसके मतलब से ही निकल के आ रहा है वैश्विक संपदा का। अगर हम इंग्लिश वर्जन देखते हैं तब कॉमन क्या मतलब, ऐसी संपदाएँ जो साझी रूप से विश्व के द्वारा या विश्व के अन्य संस्थाओं या देशों के द्वारा साझा रूप से उनका प्रबंधन किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए, वे संपदाएं वैश्विक संपदा कहलाती हैं। इनके जो उदाहरण हैं वह ग्रीनलैंड आर्कटिक नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड आर्कटिक पे ग्रीनलैंड पे ग्रीनलैंड का अधिकार है या कुछ जगह पर उनके अन्य देशों का है, आर्कटिक पे आर्कटिक समूह काउंसिल के देशों का अधिकार है। अंटार्कटिका हुआ, आपका वायुमंडल हुआ, ओजोन लेयर हुई, अंतरिक्ष हुए, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर विश्व के सभी देश साझा रूप से सहयोग करते हैं और उनका प्रबंधन करते हैं। तो आपके वैश्विक संपदा के उदाहरण वह हुए, ना कि आर्कटिक और ग्रीनलैंड। इस तरीके से आपका पहला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 72, इसमें आपसे कथन और कारण दे रखा है। हम लोगों ने जैसे पहले भी बात की है कि कथन और कारण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम कथन को पढ़ें, फिर क्योंकि लगाएं और कारण पढ़ें। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो हमारा या तो वो ए आंसर होगा या सी और डी हो सकता है। सी और डी किस हालत में होगा, जब दो में से कोई भी स्टेटमेंट गलत हो। तो हम देखते हैं इसमें पहला स्टेटमेंट है कि अंटार्कटिका सीमित स्थलीय जीवन वाला एक महादेश है। सेकेंड है आपका जो कारण है वो अंटार्कटिका का समुद्रीय पारिस्थितिक तंत्र अत्यंत उर्वर है। अब हम दोनों को अपने फार्मूला में रख के पढ़ते हैं। अंटार्कटिका सीमित स्थलीय जीवन वाला महादेश है क्योंकि अंटार्कटिका में समुद्री पारिस्थितिक तंत्र अत्यधिक उर्वर है। ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। हमको अब देखना होगा कि ए तो नहीं होगा। अब बी और सी और डी के लिए हम इसको मैच करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि सीमित स्थलीय जीवन वाला। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अंटार्कटिका जो है वहाँ पर बर्फ से ढका हुआ पूरा अंटार्कटिका है। ये दो हिस्सों में है, इसका एक हिस्सा महासागरीय है और एक हिस्सा स्थलीय है। जो स्थलीय हिस्सा है वह काफ़ी कम है, महासागरीय हिस्सा ज़्यादा है और बाकी आपका एक तरीके से देखा जाए पूरा बर्फ से ढके हुए ग्लेशियर्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि यहाँ का समुद्री पारिस्थितिक तंत्र अत्यधिक उर्वर है। देखिए आप लोग इसको गलत मान सकते हैं कई लोग, क्योंकि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र वहाँ पर क्या है कि काफ़ी विषम परिस्थितियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ शैवाल हैं, लाइकेन हैं, कवक हैं, और एक वहाँ पर एक मछली पाई जाती है, क्रिल मछली, जिसका बहुतायत में वहाँ मात्रा पाई जाती है, जो समुद्री खाद्य श्रृंखला की एक प्रमुख कड़ी होती है जो क्रिल मछली है। तो वहाँ का समुद्री पारिस्थितिक तंत्र उर्वर है। इस तरह ये दोनों कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अतः आपका उत्तर बी होगा। 73 क्वेश्चन है पर्यावरण शरणार्थी, इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल रेफ्यूजीज।
अब इसमें पूछा गया है कि पहला स्टेटमेंट है कि पर्यावरण शरणार्थी शब्द का पहला प्रयोग 1992 के प्रथम जो आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट जिसको बोलते हैं 1992 की, उसमें पहली बार इसका प्रयोग हुआ। सेकंड स्टेटमेंट है कि इन्वायरमेंटल जस्टिस फाउंडेशन, पर्यावरण न्याय फाउंडेशन, इस प्रकार के शरणार्थियों को न्यायिक अधिकार दिलाने वाला प्रमुख संगठन रहा है। अब आप लोगों को एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि इसमें स्टेटमेंट पूछा गया है सत्य। अब पर्यावरण शरणार्थी शब्द होते क्या हैं, आपको मालूम हो जाए, जैसा कि इकोलॉजिकली कोई आपदा आती है और उस आपदा के परिणाम स्वरूप जो लोग एक देश से दूसरे देश में डिस्प्लेस हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाते हैं, ऐसे लोगों को इकोलॉजिकल शरणार्थी कहते हैं। मान लीजिए कि किसी जगह पर बहुत बड़ा फेमाइन या सूखा अकाल पड़ा, उसके कारण बहुत से लोग उस देश को छोड़ने के लिए विवश हैं, तो वो लोग इकोलॉजिकल कहलाएंगे शरणार्थी। अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पर हिंसा हो रही है इस देश में, से सीरिया में हुई, और फिर वो शरणार्थी हैं, तो वो लोग युद्ध शरणार्थी हो सकते हैं। इस तरीके से संकटग्रस्त जो शरणार्थी, युद्ध संकटग्रस्त क्षेत्र के शरणार्थी हैं, वो कह जाएंगे, वो लोग इकोलॉजिकल शरणार्थी नहीं कहे जाएंगे। तो और इसका जो पहला प्रयोग था वह 1970s के दशक में पहली बार, जब अफ्रीका में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, अफ्रीका में जब सूखा पड़ा बहुत बड़ा, और कई एक माना जाता है 1 मिलियन से अधिक लोग वहाँ से डिस्प्लेस हुए, उस समय इसका पहला प्रयोग और उसी समय प्रचलन में आया इकोलॉजिकल या पर्यावरण शरणार्थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है इन्वायरमेंटल जस्टिस फाउंडेशन। देखिए, इन्वायरमेंटल जस्टिस फाउंडेशन जो है एक संस्था है, इसके साथ ही एक संस्था और जुड़ी है जिसकी चर्चा हम यहीं कर लेंगे। इन्वायरमेंटल जस्टिस फाउंडेशन क्या करती है, यह संस्था जो शरणार्थी ऐसे बनते हैं उनके कानूनी मदद के लिए ये काम करती है, या कुछ कानूनों के निर्माण के लिए कार्य करती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जा सकें। तो इसमें हमने कौन सी बात की, इन्वायरमेंटल जस्टिस फाउंडेशन। देखिए, ये 2001 में एनजीओ स्थापित किया गया, ये ब्रिटेन का एक एनजीओ है, इसको स्टीव ट्रेंट प्लस जूलियट विलियम्स ने मिलकर बनाया था। ये आपके पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित लोगों, शरणार्थियों, मेनली शरणार्थी के लिए कानूनी सहायता का काम करता है इन्वायरमेंटल जस्टिस फाउंडेशन। तो इसमें जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है वह सही है, लेकिन हम यहाँ बात कर लेते हैं एक और इंस्टीट्यूशन की, जो इंस्टीट्यूशन आपको हो सकता है आगे पूछ दिया जाए, इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट भी हो सकता था, वह है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये एक अंतर सरकारी संगठन है, मतलब ये गैर स्वयंसेवी या गैर सरकारी नहीं, ये सरकारी है, इंटर गवर्नमेंटल। नेक्स्ट है, ये इसे 2016 में यूएन का एक सदस्य संस्थान बना दिया गया, सदस्य संस्थान का दर्जा मिला है 2016 में, और ये भी पर्यावरणीय शरणार्थियों के लिए कानूनों के निर्माण हेतु कार्य करते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो है वह भी इस दिशा में कार्य करता है। तो आपसे कोई भी इंस्टीट्यूशन पूछा जा सकता है इस दिशा में, शरणार्थी क्या है, कि शरणार्थियाँ काफ़ी बड़ी समस्या बनी रही है, वो चाहे युद्ध से रहे हों चाहे आपदा से रहे हों, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप किसी तरीके से भी तैयार रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 74th है, ये पूछा गया है कि देव रहितिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अब आपके सामने चार यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। पहला जो विकल्प है उसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में
केदारनाथ जो त्रासदी हुई थी उसके बाद नए पुजारियों के लिए कुछ आवास बन रहे हैं, उन आवास का नाम देव रहतीस है। सेकेंड ऑप्शन है कि महाराष्ट्र के पवित्र उपवन जो हैं उनका एक प्रकार है देव रहतीस। तीसरा आपसे है कि इलाहाबाद कुंभ जो हो रहा है अर्धकुंभ, उसकी बार पहली बार कोई थीम निर्धारित की गई है और वह है देव रहतीस। और डी ऑप्शन में कहा गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी सही से पढ़ी होगी। देखिए ये करंट का क्वेश्चन नहीं, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है परंपरागत। हम लोगों ने सुना होगा पवित्र उपवन के बारे में। पवित्र उपवन वे वन होते हैं जिनका धार्मिक मान्यताओं में जिक्र हुआ होता है और उनको वहाँ के समुदाय संरक्षित करते हैं और उनको काटने से बचते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचने देते हैं। ऐसे वनों को पवित्र उपवन कहा जाता है। इन वनों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से कहा जाता है। जैसे इसको मेघालय में लिंगदो, नॉर्मली देवस्थान, महाराष्ट्र में देव रहतीस, इस प्रकार के नामों से जाना जाता है। वहाँ पर अन्य नाम भी आपको मिलेंगे जिनको आप देख सकते हो। तो इसका अगर आप उत्तर देखोगे तो इसका उत्तर आपका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दो कथन दे रखे हैं और उनमें असत्य कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि 2003 का जो बिजली अधिनियम था वहाँ से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया उसके माध्यम से। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ऊर्जा के ज़्यादा कारगर इस्तेमाल हेतु ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 पारित किया गया। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट एक फैक्ट हैं जो बिल्कुल सही हैं। इन दोनों स्टेटमेंट उसमें क्या हुआ था, बिजली अधिनियम 2003 में लाया गया, हुआ क्या है कि भारत में 1990 के बाद से ही नवीकरणीय ऊर्जा को दिशा में काम किए जाने लगे थे, लेकिन जब 2000 के बाद ज़्यादा तेज़ी से ये काम हुए। 2003 में और 2001 में कुछ अधिनियम बनाए गए जिनके माध्यम से ये काम हुए हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन बस ये हो सकता है कि बिजली अधिनियम किस प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे सकता है। उस समय नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ना तो अलग मंत्रालय था ना ही अलग प्रावधान। इस समय वर्तमान में उसकी बहुत क्लियर रूपरेखा स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन 2003 शुरुआती समय था इसलिए उसको उसी अधिनियम में शामिल किया गया। तो आपके असत्य पूछा गया लेकिन दोनों कथन सत्य हैं, तो इसका उत्तर जो है वह आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यारमुख नदी जल संघर्ष जो देश कई इतिहास में चर्चित रहा था, यारमुख नदी जल संघर्ष वह किससे संबंधित है। देखिए यारमुख नदी जो है अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से, अगर आप देखोगे इज़राइल, यहाँ पे जॉर्डन और सीरिया की अवस्थिति है। तो यहाँ पर क्या है, इज़राइल जॉर्डन और के किनारे सीमा पर एक नदी बहती है जिसका नाम यारमुख है। यारमुख जो है वह जॉर्डन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जॉर्डन भी एक नदी का नाम है, साथ ही साथ देश का भी नाम है। हुआ क्या, 1950 से 60 के दशक में तीन देशों के बीच में जो नाम दे रखे हैं, चाहे वो इज़राइल, जॉर्डन और आपका सीरिया, इन तीनों देशों के मध्य में यारमुख नदी के पानी को लेकर, जल बंटवारे को लेकर संघर्ष हुआ और यह संघर्ष खूनी संघर्ष के रूप में बदल गया। कई बार दो देशों ने मिलकर इसराइल के ऊपर युद्ध कर दिया, कभी इसराइल और जॉर्डन का युद्ध हुआ, कभी इसराइल और सीरिया का युद्ध हुआ। तो इसमें एक एंगल यहूदी वर्सेस मुस्लिम तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यारमुख नदी जल संघर्ष, यारमुख नदी के जल बंटवारे को लेकर था, क्योंकि इसका जो कैचमेंट एरिया या बेसिन एरिया है वह तीनों देशों में पाया जाता है, इसलिए जल बंटवारे को लेकर यह संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर डी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तीन आपको कुछ सम्मेलन दे रखे हैं, कुछ संस्थान की स्थापना दे रखी है और कहा गया है कि इनको हमें बढ़ते हुए कालक्रम, मतलब सबसे पहले पहली चीज़, फिर उसके बाद और उसके बाद सबसे बाद में हुई चीज़ को दिखाना है। तीन नाम दे रखे हैं, याल्टा सम्मेलन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है और आपका अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का अगर एक कारण माना जाता है या उसकी एक इवेंट माना जाए तो वो होता है अटलांटिक चार्टर का हस्ताक्षर। अटलांटिक चार्टर मतलब क्या था कि अटलांटिक जो महासागर है उसमें क्रूज शिप के ऊपर दो महाशक्ति जो उस समय थी विश्व युद्ध के समय, उन देशों ने आपस में बैठकर एक हस्ताक्षर किए, इसको अटलांटिक चार्टर कहा गया। ये कौन देश थे, अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका का प्रतिनिधित्व जो थे वहाँ के राष्ट्रपति जो उस समय थे रूजवेल्ट थे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट वो कर रहे थे और इधर आपका विंस्टन चर्चिल कर रहे थे। इन दोनों लोगों ने एक चार्टर मतलब एक घोषणा पत्र टाइप का था उस पर साइन किया। ये घोषणा पत्र एक तरीके से यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस प्रकार के देशों का स्वरूप होगा,
या कहा जाए कि अमेरिका ने कुछ मांगे उनके सामने रखी कि भाई देखिए, अगर हम आपके सामने इस युद्ध में उतरने वाले हैं तो कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक तो आपको लोगों को स्वतंत्र करना पड़ेगा जो आपके उपनिवेश हैं, साथ ही साथ तीसरे विश्व के देशों को कुछ पावर देनी पड़ेंगी, जो चुनाव कैसे कराए जाएँ, सरकारें कैसे बनेंगी, कई सारी चीज़ें उसमें उल्लेखित थीं। तो इसको अटलांटिक चार्टर कहा गया। अटलांटिक चार्टर पर साइन 1941 में हुआ और उसके बाद अमेरिका वहाँ पर प्रवेश करने वाला था संक्षेप में, लेकिन जब बाद में जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया उसके बाद अमेरिका पूरी तरीके से उस युद्ध में शामिल हो गया। तो इसमें जो अटलांटिक चार्टर है वो 1941 अगस्त में हुआ था। उसके बाद था याल्टा सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन जो था वह रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, जो तीन शक्तियां थीं, सोवियत रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, इन लोगों के मध्य हुआ था। ये आपका फरवरी 1945 में हुआ। ये था कि किस प्रकार से विश्व युद्ध के बाद जो दोनों शक्तियां हैं, दोनों ब्लॉक्स हैं, उनके बीच में किस प्रकार से बंटवारा होगा और क्या उसके प्रावधान होंगे, उन पर एक आरंभिक चर्चा मानी जाती है याल्टा सम्मेलन। यह फरवरी 1945 में हुआ और जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है यह 24 अक्टूबर 1945 को ही। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे पहले आपका अटलांटिक चार्टर, फिर याल्टा सम्मेलन और उसके बाद आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आता है। तो इसका सही उत्तर आपका सी ऑप्शन होगा, 3-1-2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आणविक ऊर्जा एजेंसी या IAEA, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद और आम सभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, सबसे पहले आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग UN के बारे में जानें। UN के बारे में आपके मेंस में भी है और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। UN में दो संस्थाएं होती हैं मेनली, एक होती है आम सभा, एक होती है उसकी सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुछ स्थायी सदस्य होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं। आम सभा में क्या है कि जितने भी देश इसके सदस्य बनते जाते हैं वो लोग आते हैं। इसी प्रकार से इसकी कुछ एसोसिएट संस्थाएं भी होती हैं जिन संस्थाओं के सदस्य भी इन्हीं में से चुने जाते हैं। जिस प्रकार से आप सुनते होंगे मानवाधिकार परिषद का चयन हुआ, इस बार इसका चयन हुआ, अलग अलग प्रकार से आप उसमें सुनते होंगे। तो जब आप UN के बारे में सुनते हैं तो उसकी कुछ एसोसिएट सदस्यताएँ होती हैं संस्थान, उनसे कुछ संबंधित संस्थान ऐसे होते हैं जिनका कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, उन्हीं में से एक एजेंसी है ये अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA। इसका कार्य यह होता है कि यह कई देशों में जहां पर इसको मतलब एक तरीके से कहा जाए कि परमाणु हथियारों का कहीं पर इस तरीके से निर्माण तो नहीं हो रहा है, उसके लिए ये वहाँ के जो परमाणु संयंत्र होंगे वहाँ का जाके दौरा कर सकता है और वहाँ पर परीक्षण कर सकता है। इसके पास ये आदेश मतलब एक अधिकार होता है। इसका उत्तरदायित्व तो या जवाबदेही है वो आम सभा के प्रति भी होती है और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रति भी होती है। तो ये पहला सही है। सेकंड आपसे पूछा गया है इसमें कि आम सभा के सभी सदस्यों को एक समान मताधिकार प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही है। आम सभा के जितने भी सदस्य होते हैं, जब शुरुआत में बात अगर देखी जाए तो आपके जितने भी सदस्य हैं, नए सदस्य जुड़ते रहते हैं, उनको वोटिंग राइट्स पूरे होते हैं जो सदस्य देश होंगे। कुछ आपके पूर्ण सदस्य नहीं होते हैं, उनकी बात अलग है। जो सदस्य देश हैं उनका अधिकार मताधिकार समान होता है। अगर वही सुरक्षा परिषद है तो वहाँ मताधिकार है लेकिन वहाँ पर वीटो प्राप्त होती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें पूछा गया था असत्य, तो आपके दोनों सत्य हैं। इसका उत्तर डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, कोई असत्य नहीं है, दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी संस्थाएँ हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय सहायता प्राप्त संगठन हैं। एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक है ह्यूमन राइट वॉच। आपको पता होना चाहिए एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच, इनका नाम आप कई बार सुनते रहते होंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एक मानवाधिकार संस्था है जो एक तरीके से स्वयंसेवी संगठन है। इसमें क्या होता है कि लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ये कार्य करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करती है, एक सूचकांक भी निकालती है, मानवाधिकार सूचकांक, जो हर देश में किसी के मानवाधिकारों की स्थिति वहाँ पर कैसी है उसके ऊपर कार्य करती है। इसकी हम कई बार आलोचना भी होती है क्योंकि ये उन देशों के विरुद्ध एक तरीके से रिपोर्ट कई बार निकाल देती है।
सेकेंड आपकी है ह्यूमन राइट वॉच, इसका नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन ये कोई सरकारी संगठन नहीं है जिसको यूएन कोई वित्त देता है, ये दोनों स्वयंसेवी संगठन हैं, इसलिए इनको जो सहायता होती है वह अपने आप इकट्ठा करनी पड़ती है, या जो इनके अब अपने मेंबर बनाते हैं उनके जरिए ये अपना फंड इकट्ठा करते हैं। तो अच्छा, ह्यूमन राइट वॉच है वो अमेरिका का सबसे बड़ा स्वयंसेवी या मानवाधिकार संगठन है। तो इसका आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संधियों को उनके घटते हुए कालक्रम में हमें व्यवस्थित करना है, मतलब सबसे पहले जो सबसे बाद में हुई है उस और सबसे आखिरी में जो सबसे पहले संधि हुई थी। पूछा गया है जैविक हथियार संधि, रासायनिक हथियार संधि और NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या परमाणु अप्रसार संधि। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो हुई थी वह NPT हुई थी 1968 में, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ये 1968 में हुई थी। हम लोग पूरा एक दो तीन तीनों को देख लेते हैं। जैविक हथियार संधि ये आपकी 1972 में हुई, रासायनिक हथियार संधि 1992 में हुई, और जो NPT है वो 1968 में हुई, और आपको करना था इसको घटते हुए क्रम में। अब घटता हुआ क्रम क्या है, पहला रासायनिक हथियार संधि 2, फिर है आपका जैविक हथियार संधि 1, और NPT पॉलिफिशन 1968 सबसे बाद में हुई। तो इसका सही उत्तर जो आपका है बी है, 2-1-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, इसमें पूछा गया वर्ल्ड सोशल फोरम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। वर्ल्ड सोशल फोरम ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में चार विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प दे रखा है कि ये नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाला संगठन है। सेकेंड है दक्षिण एशिया में मौजूद विवादों का हल निकालने के लिए एक बनाया गया वैश्विक संगठन। तीसरा है हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित, और डी है ए एवं सी दोनों। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न वैसा है, अगर आपने पढ़ी है NCERT तो आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज ये करंट में रहा कोई संगठन नहीं है, बस प्रश्न को ट्रिक कर दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि UPSC आपके प्रश्नों को ट्रिक, प्रश्न को कठिन करके नहीं, ऑप्शंस को जो विकल्प होते हैं उनको कठिन बनाकर करती है। ये सभी विकल्प आपको सही लग सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर ए है। देखिए वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है कि जब वैश्वीकरण का विरोध चालू हुआ तो उस विरोध करने में कुछ संगठन बना, एक ये वैश्विक संगठन था जिसमें मजदूर थे, ह्यूमन राइट्स वाले थे, महिलाओं के मतलब प्रतिनिधित्व करने वाले थे, कई श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाले थे, और इन लोगों ने मिलकर क्या किया, एक वैश्विक रूप से एक संगठन बनाया जिसको वर्ल्ड सोशल फोरम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपकी नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करना है। अब हाँ, क्वेश्चन ये हो सकता है जो आपसे मेन से पूछा सकता है कि नव उदारवादी वैश्वीकरण क्या होता है। नव उदारवादी वैश्वीकरण वो होता है जब, देखिए वैश्वीकरण शुरुआत में आया उसमें कंपनियों ने प्रसार किए, और वो कंपनी में प्रसार में क्या हुआ कि लोग इधर से उधर जाने लगे, आय के स्रोत लोगों के बढ़ गए, लोगों के देश बदल गए, मुद्राओं का आदान प्रदान होने लगा, ये एक नॉर्मल वैश्वीकरण था। लेकिन जब बाद में इन संस्थाओं ने उन देशों के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक मूल्यों को अपने स्तर पर प्रभावित करने लगे, तो यह एक तरीके से नव उदारवादी वैश्वीकरण की इसने रूपरेखा ले ली। और इसको अगर हम कहें तो नव साम्राज्यवाद कई बार कहते हैं, उससे ही निकल कर ये वैश्वीकरण वाला मतलब आया था, जहाँ पर जो संस्थान आई उन्होंने, संस्थानों ने अपने पूरे संस्थान के जो उस देश के जो जिस देश में वो थे वहाँ के देशों के संस्कार या मतलब जो सांस्कृतिक मूल्य थे, आर्थिक जितने भी संसाधन थे या सामाजिक परंपराएं थी उनमें बदलाव अपने अनुसार लाया। तो इसका विरोध करने वाले जो संगठन थे, वर्ल्ड सोशल फोरम एक वैश्विक संगठन है। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 82 में है यूरोपियन यूनियन। देखिए यूरोपीय यूनियन अभी बना है, इसके लिए एक पूरी क्रम चला और उस क्रम को पूछा गया, उनमें क्रम में बनने वाले जो संगठन थे उनको आपको घटते से बढ़ते, मतलब सबसे पहले कौन बना और अभी सबसे लेटेस्ट कौन बना, इस तरीके से बनाना है। पहला है आपका यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, फिर है यूरोपीय परिषद, और फिर है यूरोपीय समुदाय। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा। देखिए यूरोपीय यूनियन जो है वह सबसे पहले एक आर्थिक
कहा जाए चुंगी, जिसमें चुंगी पड़ती है, उस चुंगी को फ्री करने के लिए एक आर्थिक यूनियन बना था, तो उसी क्रम में ये बनाए गए। तो सबसे पहले जो बनी थी वो यूरोपीय काउंसिल थी, यूरोपीय परिषद जिसे बोलते हैं। ये सबसे पहला काम था 1949 में। फिर इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा काम हुआ और इसमें आर्थिक भी किया गया, तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी या आर्थिक कम्युनिटी है, कम्युनिटी समुदाय, आर्थिक समुदाय, उसका निर्माण हुआ। ये आपका 1957 में हुआ। फिर इस पे कार्य हुए जहाँ पर आपसे राजनैतिक मांगें क्या होंगी, यहाँ के श्रम कानून क्या होंगे, इस पे लगातार संधियाँ हुई। तो उसी में एक मास्ट्रिच संधि कहा जाता है, मास्ट्रिच संधि, मास्ट्रिच संधि जिसको कहते हैं, मास्ट्रिच संधि, इसी में क्या हुआ आपका यूरोपियन समुदाय, आर्थिक हट गया, सिर्फ यूरोपियन कम्युनिटी बचा, इसका निर्माण हुआ 1993 में मास्ट्रिच संधि में। तो इस प्रकार से आपकी ये संधियाँ बनी और फिर यूरोपीय यूनियन का एक पूरा क्लियर रूपरेखा हमें स्पष्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसका आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आसियन वे ये क्या है? आसियन वे है आसियन सदस्य देशों की जीवन शैली, सेकंड था आसियन सदस्य देशों के मध्य अनौपचारिक एवं सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली, तीसरा है आसियन सदस्यों की रक्षा नीति और सभी आसियन सदस्यों को जोड़ने वाली एक सड़क। देखिए इसमें सिर्फ ऑप्शन को थोड़ा सा किया गया है, अदरवाइज ये जो आपका 12th की NCERT का चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसका सबसे पीछे ये क्वेश्चन खुद दे रखा है। तो कई क्वेश्चन ऐसे स्टैंडर्ड भी होते हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। आसियन वे जो है वह एक तरीके से अनौपचारिक संगठन है आसियान सदस्यों का, अनौपचारिक वे में, जहां पर उनके कामकाज की शैली और जो सहयोगपूर्ण कामकाज होता है उसको दर्शाता है, तो इसको कहते हैं आसियान वे। आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे एक सड़क से या कोई रक्षा नीति इस टाइप से, तो इसका सही उत्तर जो है वह आपका बी है। 84th क्वेश्चन है कि इतिहास में प्रसिद्ध रहे शब्द रजाकार, रजाकार का संबंध निम्नलिखित में से, मतलब क्या सत्य है उसके संबंध में। अब ये जो आपका आता है अगर पढ़ेंगे आप लोग स्वतंत्र भारत की राजनीति, वहाँ से कई क्वेश्चन बने हैं और इस बार 2018 में भी दो क्वेश्चन आए थे जहाँ पर कुछ संस्थाओं के कालानुक्रम पूछा गया था, कुछ पार्टियों के बनने का पूछा गया था, वो आपसे देखा गया था। तो शब्द है रजाकार। रजाकार देखिए क्या है कि इसमें तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं कि अंतिम निजाम का सलाहकार, कश्मीर के राजा का सलाहकार, या सरदार पटेल द्वारा प्रतिनिधि बनाया गया वो, या हैदराबाद रियासत के निजाम का अर्धसैनिक बल। देखिए रजाकार जो थे वो निजाम की एक पैरामिलिट्री फोर्स टाइप की थी जो काफ़ी क्रूएल थे और जिन्होंने जब विलय होने वाला था 1948 में उससे पहले काफ़ी ज़्यादा हिंसा की थी। तो इसका सही उत्तर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 क्वेश्चन आपका है कि मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है कि एक एज बना दी जैसे 18 या 21 और उसके बाद इसमें कोई और सीमाएं नहीं हैं, कोई और मतलब नहीं दे रखी क्वालिफिकेशन की उनको करना पड़ेगा, आपको एक उम्र दे दी गई और फिर सब उस उम्र के सभी लोग बिना किसी भेदभाव के वोट कर सकते हैं, तो होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इसमें इसको अपनाकर चुनाव हुए, पहला राज्य उन्होंने बताया है। सेकंड है कि मणिपुर के विलय में मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर हुआ था। अब देखिए क्या होता है कि पहला आपसे जो है वह बिल्कुल सही है कि 1948 में वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए थे जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे हुए थे। वैसे भारत में वैसे देखा जाए तो आम चुनाव 1952 में हुए, उससे पहले अंतरिम सरकार थी, दोनों जगह पर ना संविधान सभा का चुनाव भी हो चुका था, कोई भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल सही है 1948 में मणिपुर में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर पहला चुनाव हुआ और एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ क्योंकि वहाँ पर पहले राजा का शासन था। सेकंड है मणिपुर के विलय मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा के परामर्श के बगैर हुआ। देखिए पहले वहाँ पर राजा से पूछा गया था और साथ में वहाँ के दलों से पूछा गया, दल कौन सी थी, दल था कांग्रेस और अन्य दल। कांग्रेस की सहमति थोड़ी बहुत थी लेकिन अन्य दलों की सहमति बिल्कुल नहीं थी और उसके बाद किसी विधानसभा में प्रस्ताव न लाकर सीधे राजा के पास ले जाया गया और राजा ने इसको स्वीकृति दी और विलय पत्र पर समझौता कर लिया।
तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो आपको बताना है सत्य, तो इसके दोनों आंसर सही है, 85 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मेघालय का निर्माण असम से अलग होकर हुआ, और सेकंड है नागालैंड का निर्माण अरुणाचल और मिजोरम से पहले हुआ। देखिए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बारे में आपको समझना चाहिए थे कौन पहले स्टेट बने या कौन यूटीज बने, किनका निर्माण कब हुआ, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। देखिए असम जो था वो असम सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, और उसी से काट काट के अलग अलग राज्यों का निर्माण किया गया। जो मेघालय था उसका निर्माण असम से काट कर ही हुआ था 1972 में, और फिर उसी समय पर मणिपुर और त्रिपुरा का निर्माण भी 1972 में ही हुआ। जो बात कही है नागालैंड का निर्माण अरुणाचल और मिजोरम से पहले हुआ, ये भी सही है। नागालैंड काफ़ी पहले राज्य के रूप में बन गया 1963 में, और अरुणाचल और मिजोरम 1987 में बने, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो दोनों सही हैं, और इसका सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87 कि स्वतंत्र भारत का जो आम चुनाव था 1952 का, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सेकंड आपका है कि 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में मात्र केरल एक ऐसा राज्य था जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। देखिए आप लोगों को पता होगा कि केरल पहली बार एक पहला राज्य बना जहां पर कांग्रेस की सरकार या कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई, लेकिन देखना क्या है कि ये दो स्टेटमेंट रखें वो सही है या नहीं। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी CPI जो थी वो 1925 के आसपास उसकी स्थापना हो चुकी थी, जो इंटरनेशनल कम्यून था उस समय जब चल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा बंगाल, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कुछ जगहों पर देखा जा सकता था, तो और सोशलिस्ट भी चीज़ें थी, इसलिए वहाँ पर कम्युनिस्ट का प्रभाव रहा और वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बने। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीटें जीत लीं। अगर बात की जाए सीटों के मामले में तो करीब 489 सीटों पर चुनाव हुए थे 1952 के पहले आम चुनाव में, 492 सीटें थीं 1952 के चुनाव में, और जिसमें से 364 सीटें कांग्रेस को मिली थीं और CPI को 16 सीटें मिली थीं, और ये 16 सीटें जो थीं इसे सेकंड नंबर पे रही थी। अब समझ लीजिए कि 16 सीटें ही मिली, और सोशलिस्ट पार्टी को वैसे अगर परसेंटेज में देखा जाए तो परसेंटेज के मामले में जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसको सेकंड नंबर पर मिला था 10%, लेकिन उसकी सीटें सिर्फ 3 थीं। अब अगर सेकंड स्टेटमेंट था इसमें कि विधानसभा चुनाव मात्र में जो पहला हुआ उसमें केरल बना, देखिए 1952 के चुनाव में केरल, मद्रास, बंगाल कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर पूर्ण बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला था, लेकिन उसकी सरकार सभी राज्यों में बनी थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1957 में ऐसा हुआ कि केरल पहला ऐसा राज्य बना जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ने गठबंधन कर अपनी पार्टी की सरकार बनाई, तो वो 1957 के चुनाव में हुआ था, ना कि 1952 के। तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही है और सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो इसका सही उत्तर 87 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88A। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आप लोग में से कितने लोगों ने सही किया होगा। यह क्वेश्चन भीमराव अंबेडकर पे है, इसमें तो आपको सत्य बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कांग्रेस की ओर से वह कानून मंत्री थे। सेकंड स्टेटमेंट है कि वह अंतरिम सरकार में निर्दलीय सदस्य के रूप में कानून मंत्री थे। देखिए अंतरिम सरकार जो थी वह 1946 में बनी, और जो पहली चुनाव था 1952 में हुआ था आम चुनाव, इसमें इन पे कहा गया कांग्रेस की ओर से, गलत है। देखिए कांग्रेस के वह सदस्य नहीं रहे किसी भी तरीके से मंत्रिमंडल में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब अंतरिम सरकार में देखिए, अंतरिम सरकार में जो कानून मंत्री थे वह मुस्लिम लीग की तरफ से थे, इनकी तरफ से नहीं थे, लेकिन जब बाद में आज़ादी हो गई और आज़ादी के बाद इनको संविधान सभा में जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, उसके बाद जो मंत्रिमंडल का जो री सफल हुआ उसमें ये निर्दलीय सदस्य के रूप में कानून मंत्री बने, लेकिन अंतरिम सरकार में अगर कानून मंत्री की बात की जाए तो ये नहीं बने थे, वो मुस्लिम लीग के बने थे। इनको बाद में रीसफल में शामिल किया गया और तब ये निर्दलीय तरफ से बने थे। तो देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बहुत सिंपल लग रहा है और अधिक लोग इसको गलत कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। हाँ, इसमें सत्य पूछा गया था, तो इसमें अगर देखा जाए तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो ना तो एक ना तो दो डी आंसर होगा। 89 में कहा गया भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में आपको सत्य कथन बताने। इसमें कहा गया कि इसकी स्थापना पहले आम चुनाव के बाद एक देश एक संस्कृत के विचार से हुई। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसकी पहली सफलता 1957 के लोकसभा चुनाव में मिली। देखिए दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि पहली बात सही है कि एक देश एक संस्कृत के विचार से हुई, लेकिन इसका स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी और आम चुनाव 1952 में हुए, तो ये गलत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत तीन सदस्य जो थे 1952 के ही चुनाव में जीत गए थे, तो पहली बार में भी इनको चार सीटें मिली थी, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ पार्टी में थे, लेकिन तब भी उनको विपक्ष में होते हुए भी सरकार में मंत्री बनाया गया था, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल किया जा सके। तो अगर देखा जाए तो इसमें आपके दोनों स्टेटमेंट जो हैं वह गलत हैं, तो इसका आंसर भी डी होगा। 90 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजनैतिक दलों को उनके बनने के कालानुक्रम में बढ़ाना है। बढ़ता हुआ क्रम मतलब कि सबसे पहले बनी हुई और सबसे बाद में बनी हुई वो आखिरी में रखनी है। स्वतंत्रता पार्टी या स्वतंत्र पार्टी एक तरीके से हुई, भारतीय जनसंघ हुआ और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हुई। देखिए मैं तीनों पार्टियों के स्थापना काल लिख देता हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए स्वतंत्र पार्टी जो है इसकी स्थापना सी राजगोपालाचारी ने 1959 में की, इसमें के एम मुंशी, मीनू मसानी भी शामिल थे। उसके बाद हम बात कर रहे थे इसमें भारतीय जनसंघ, जिसको हमने पहले ही बात की कि इसकी स्थापना जो है 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, वही इसके संस्थापक अध्यक्ष भी थे। और फिर है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, देखिए इसकी स्थापना 1936 में बी.आर. अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो आपसे पूछा गया घटता हुआ क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में कि सबसे पहले किसको लगाना है, तो 3-2-1 इसका सही उत्तर है, और इसका सही उत्तर 3-2-1 डी ऑप्शन है, 90 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 91, बॉम्बे प्लान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा गया है, चार विकल्प है इसका मतलब बाकी तीन सत्य हैं। ये भारत के आर्थिक भविष्य का ब्लूप्रिंट था, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी, सही है, इसका सरकार ने नहीं उद्योगपति सामने आए थे। इसमें नियोजन के विचार का समर्थन किया गया, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें योजना आयोग की स्थापना का प्रस्ताव नहीं रखा गया। इसमें प्रस्ताव क्या रखा गया था कि सरकार ही जो उद्योग है और जितने भी चीज़ें हैं उनमें सरकार ही भूमिका निभाए, ना कि निजी। तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी आपको लग सकता है कि उद्योगपतियों ने इसको किया था, लेकिन इसमें काम सरकार को करना था, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने पहले मान रखा था, जो शुरुआती टाइम था उसमें पूंजीपति हों चाहे समाजवादी हों, सभी का मानना था कि शुरुआत का जो काल है स्वतंत्रता के बाद का, उसमें प्रमुख भूमिका सरकार को ही निभानी होगी। और ये आपका जो बॉम्बे प्लान था वह 1944 में बॉम्बे में उद्योगपतियों का समूह बैठा था, उसके द्वारा रखा गया था, तो इसमें बी ऑप्शन आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य, और फिर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनका सही उत्तर आपको बताना है। देखिए इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि जो आर्टिकल 51 में आपका डीपीएसपी दे रखा है, डीपीएसपी में आर्टिकल 51 है, उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में कुछ दे रखा है। इसमें जो दो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता करना है, विवादों का निपटारा करना है, शांति सौहार्द बढ़ाना है, कई और चीज़ें भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय, उसमें आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। तो आपका 92 का सी है आंसर। आप लोगों ने देखा होगा कि 2014 या 15 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन 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 सा से अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित हैं, तो वो आपको दे रखा था उसमें, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो 93 है, 93 आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा से सम्मेलन गुटनिरपेक्ष सम्मेलन से या उससे संबंधित है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से। पहला है बांडुंग, दूसरा बेलग्रेड, तीसरा वारसा पैक्ट।
देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक तरीके से तीसरे विश्व के देशों को कहा जाए तो किसी भी गुट में, शीत युद्ध के समय जो गुट बने उनमें शामिल होने से बचाना था और उसको गुटनिरपेक्ष रखना था। तो उसमें उन्होंने दो प्रमुख आंदोलन कहे जाते हैं, एक बांडुंग सम्मेलन है और एक बेलग्रेड। वारसा पैक्ट इसमें नहीं है। वारसा पैक्ट जो था वह नाटो के विरोध में सोवियत संगठन के द्वारा कुछ देशों का मिलाकर संगठन बना था और ये कुछ देश मूलतः समाजवादी देश थे और पूर्वी यूरोपीय देश थे, जो वारसा पैक्ट था। तो इसमें आपका बांडुंग सम्मेलन जो था वह 1955 में हुआ और बेलग्रेड 1961 में। बांडुंग इंडोनेशिया में हुआ था, जो एशियो अफ्रीको का पहला एक सम्मेलन भी कहा जाता है, और इसमें प्रमुखता से भारत ने भाग लिया और जवाहरलाल नेहरू ने उस समय भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सबसे आगे पहुंचाया। तो इसका सही उत्तर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 में है कि 1962 के युद्ध के बाद आपके सामने मतलब क्या क्या राजनीतिक घटनाएँ घटी। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि पहली बार जो केंद्र सरकार थी उसके समक्ष लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ये बिल्कुल सही है, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव तभी लाया गया था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद सी राजगोपालाचारी के द्वारा ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन मैं इसको कन्फर्म नहीं हूँ। ये पक्का है कि उसी के बाद लाया गया था। सेकेंड है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में टूट गई है, मतलब उसमें स्प्लिट हो गया। सही है, 1964 के आसपास CPI जो थी वो टूट गई, उसमें एक मार्क्सवादी गुट था वो अलग हो गया और जो बन के निकला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस प्रकार से दो पार्ट में कम्युनिस्ट पार्टी बट गई। इसके अलावा जो VK कृष्णमेनन थे यहाँ के रक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा हो गया। जो कांग्रेस सरकार थी केंद्र में वह कई उपचुनाव हार गई। तो 1962 के वॉर के बाद काफ़ी सारी कॉन्सिक्वेंस राजनीतिक रूप से भारत में दिखाई पड़े। तो इसमें आपका सही उत्तर जो है बस असत्य पूछा गया है, तो डी होगा, ना तो एक ना तो दो। अदरवाइज इसमें दोनों स्टेटमेंट जो हैं आपके वह सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 95 कि भारत की परमाणु नीति के संबंध में हमें बताना है, और उसमें पूछा गया है जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में एक परमाणु कार्यक्रम का कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं था। ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू ने होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में एक पूरा जो हमारी परमाणु जो नीति थी उसको स्पष्ट किया गया था, परमाणु कार्यक्रम को स्पष्ट किया गया था, और कहा था कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में इसमें काम करेंगे, ना कि परमाणु बम बनाने में, और परमाणु हथियारों के खिलाफ हैं। और उसमें उन्होंने फिर नाभिकीय निशस्त्रीकरण, जो परमाणु निशस्त्रीकरण है, उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर काफ़ी तेज़ी से उठाया। तो इसमें देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट में नीचे सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो आपका उत्तर इसमें बी होगा, 95 का बी, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में चर्चा में रहे सिंडिकेट, सिंडिकेट शब्द से आशय निम्नलिखित में किससे है। देखिए सिंडिकेट जो था वह एक कुछ नेताओं का जो कांग्रेस संगठन में थे उनका एक समूह था, और ये समूह काफ़ी मजबूत हो गया जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। उसके बाद कांग्रेस संगठन में जो उस समय अध्यक्ष थे, कहा जाता के कामराज, उन्होंने अपने कुछ विश्वस्त नेताओं का एक समूह बनाया था। शुरुआत में इन लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री और इन्होंने इंदिरा गांधी दोनों को प्रधानमंत्री बनाने में भूमिका निभाई। जब इंदिरा गांधी का केस आया तो इन्होंने मोरारजी देसाई के ऊपर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, और इनको लगता था कि वह एक गूंगी गुड़िया की तरह काम करेंगी और उनके इशारों पर चलेगी। तो इसमें जो देखिए दे रखा है कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का विरोध किया, नहीं, इन्होंने बनाया लेकिन उसके बाद ये उनके विरोधी बन गए क्योंकि उन्होंने उनके हिसाब से काम नहीं किया। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है, कांग्रेस पार्टी के संगठन पर नियंत्रण रखने वाले नेताओं का समूह, ये सही है कि वो नियंत्रण कांग्रेस पार्टी के रखने वाले नेताओं का समूह था। तीसरा है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों के लिए प्रयुक्त शब्दावली गलत है। डी, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें सबसे मुझे सटीक छांटना था तो हमने बी छांटा है। बाद में विरोध हुआ लेकिन प्रधानमंत्री बनाने का विरोध इंदिरा गांधी का इन्होंने नहीं किया, उल्टा इन्होंने सहायता की थी। विरोध कब चालू हुआ, जब कांग्रेस पार्टी बटी तो कांग्रेस पार्टी ओ और कांग्रेस पार्टी आई, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस पार्टी इंदिरा, जो इंदिरा थी वो अलग हो गई, संगठन वाले अलग हो गए, तब इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी आई का विरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने में इन लोगों ने विरोध नहीं किया था, और उल्टा इन्होंने बनाया था लाल बहादुर शास्त्री को भी और इंदिरा गांधी को भी। तो इसका सही उत्तर आपका बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को लेकर कि जयप्रकाश नारायण के संबंध में कौन से कथन सही हैं। अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में एक बॉक्स दे रखा है छोटा सा, अगर आपने पढ़ा होगा तब ये आप उस उत्तर को सही कर सकते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि इन्होंने नागा विद्रोहियों से सुलह का कार्य किया, बिल्कुल सही है। नागा विद्रोहियों, चंबल के डकैतों और कई सारे जो कश्मीर में घटना थी उन सब में इन्होंने सुलह का कार्य के लिए पहल की थी। पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है कि इन्होंने प्रधानमंत्री से विवाह चलते स्वतंत्र भारत की पहली सरकार से त्यागपत्र दे दिया, गलत है क्योंकि ये मंत्रिमंडल में शामिल ही नहीं हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा था शामिल होने को लेकिन इन्होंने मना कर दिया, इसलिए वहाँ से ये शामिल नहीं हुए, इसलिए त्यागपत्र भी इन्होंने नहीं दिया। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, तो इसका आंसर केवल एक होगा। नेक्स्ट है आपातकाल के समय प्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए आपातकाल के समय में सेंसरशिप लागू की गई, सेंसरशिप थी कि सरकार के खिलाफ आप नहीं लिख सकते, जो हमारे लोकतंत्र का एक काला अध्याय कहा जाता है। इसमें कुछ अखबारों के बारे में आपसे स्टेटमेंट दे रखा है। पहला स्टेटमेंट है कि इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट ने सेंसरशिप के कारण अपने पर प्रकाशन को बंद कर दिया, नहीं, इन्होंने उसका विरोध किया और अपने प्रकाशन को जारी रखा। नेक्स्ट है सेमिनार और मेन स्ट्रीम ने सेंसरशिप का विरोध किया और प्रकाशन को जारी रखा, नहीं, इन्होंने उल्टा किया, ये सेंसरशिप के विरोध के कारण इन्होंने विरोध नहीं कर पाए और इन्होंने अपने प्रकाशन को तब तक के लिए बंद कर दिया। तो दोनों आपस में स्टेटमेंट इंटरचेंज है, इसका मतलब गलत है, सत्य पूछा गया तो ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी की स्थापना किसने की। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना 1977 में बाबू जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। इन्होंने उसको फिर जनता पार्टी में विलय कर लिया। बाबू जगजीवन राम शुरुआत में कांग्रेसी रहे, आपके 1977 से 79 तक उप प्रधानमंत्री रहे, संविधान सभा के सदस्य रहे और एक गांधीवादी नेता थे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना पार्टी की इन्होंने ही की थी, तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र राजनीतिक संगठन के बारे में आप क्या समझते, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य बताना है। देखिए स्वतंत्र राजनीतिक संगठन जो है इसमें वर्ड लिखा है राजनीतिक संगठन, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो एक ये स्वयंसेवी संगठन है जो दलगत राजनीति में नहीं होते हैं। सेकंड है जैसे राजनीतिक दल जो कोई निश्चित चुनाव चिन्ह प्राप्त नहीं होता है, नहीं, ये राजनीतिक दल कोई नहीं है, चुनाव के लिए नहीं जाते, ये नॉर्मली ये एक ऐसे स्वयंसेवी संगठन है जो दलगत राजनीति में नहीं पड़ते। इनके उदाहरण महाराष्ट्र में अगर देखा जाए सबसे बड़ा दलित पैंथर्स, उदय, कुछ ऐसे संगठन थे जिन्होंने इस पर कार्य किया था। इस प्रकार से हम लोगों ने 71 से 100 तक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है और बताया कि एनसीईआरटी से किस स्तर के क्वेश्चन बन सकते हैं और यूपीएससी आपसे क्या अपेक्षा कर सकती है। थैंक यू।